हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा एंड आप सभी का ऑलिव बोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ मॉड्यूल सी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पूरे सेशन में हम लोग एमसीक्यूज को कवर अप करने वाले हैं मॉड्यूल सी के, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं या मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। और आपके एग्जाम में इस तरीके की इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो जुड़े रहिएगा अंत तक, यानी इस वीडियो के एंड तक, जहां हम लोग मॉड्यूल सी के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कशन में कवर अप करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट द बैंक्स पेड अप कैपिटल एंड रेज्ड फंड मस्ट बी एटलीस्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई अ शेड्यूल्ड बैंक। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं यहां पर कि अगर आरबीआई के हिसाब से बात की जाए, किसके हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से बात की जाए, आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से बात की जाए, तो जो बैंक का पेड अप कैपिटल है और जो भी फंड उसने रेज किया है वो कम से कम कितना होना चाहिए किसी भी बैंक का, यदि उसे शेड्यूल्ड बैंक बनना है तो। राइट, अब शेड्यूल बैंक बनना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा किसी भी बैंक के लिए, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, भाई सभी को गुड इवनिंग। राइट, करेक्ट, आंसर बताते चलो भाई, मैं बता देता हूं। देखें इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये जो क्राइटेरिया ये होता है 5 लाख का, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिन भी बैंक्स का नाम होता है वे सभी बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। अब शेड्यूल्ड बैंक का क्राइटेरिया फुलफिल करना है तो सबसे पहले पेड अप कैपिटल होना चाहिए मिनिमम 5 लाख रुपए का, और वो बैंक जो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वो सभी बैंक क्या करने वाले हैं, जितने भी बैंक्स होंगे जिन्हें शेड्यूल बैंक बनना है वो डिपॉजिट लाइबिलिटीज को एक्सेप्ट करेंगे। डिपॉजिट लाइबिलिटीज क्या कहलाती हैं, जिसे हम सीआरआर एंड एसएलआर बोलते हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही पैटर्न, वही सारा के सारा क्वेश्चन का टाइप हम लेकर के आए आप लोगों के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। मतलब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, किसके सेंस में, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के सेंस में। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर एलिजिबल टू इफेक्ट बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई फॉर देयर एवरीडे ऑपरेशंस, दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ क्लियरिंग हाउसेस एंड एज सच देयर कस्टमर्स आर hindered in being unable to collect checks proceeds. These banks are federated with the state corporation या cooperative banks and enjoy remittance and other facilities through the state cooperative banks to which they are federated. तो आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। देखो पहला ये कहता है कि नॉन शेड्यूल बैंक्स आर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल टू द आरबीआई एक्ट, तो ये ट्रू नहीं है। मतलब ये फर्स्ट वाला एज पर द ऑप्शन जो ट्रू नहीं है तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक। नॉन शेड्यूल बैंक्स आर एलिजिबल टू इफेक्ट बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशन, ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी यहां पर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। राइट, थर्ड की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि एलिजिबल नहीं होते हैं, तो हमें कौन सा देखना है जो ट्रू नहीं है, तो जो ट्रू नहीं है वो कौन सा है, ये नॉट ट्रू है। राइट, और बी वाला जो हमने देखा दे आर एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं होते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू होगा। एलिजिबल कौन होंगे अपने डे टू डे एवरीडे ऑपरेशंस के लिए, उधार लेने के लिए आरबीआई से, वो होंगे आपके कौन से, शेड्यूल्ड बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को आरबीआई
लोन नहीं देगा। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो एक अलग चीज होती है। ये एलिजिबल नहीं होते हैं क्लियरिंग हाउसेज के मेंबर बनने के लिए, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि नॉट ट्रू कौन कौन से वो आपको बताना, तो नॉट ट्रू है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट एंड सेकेंड आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीसेंट डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में रीसेंट डेवलपमेंट क्या आपको देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट होना, डिजिटल रुपी जिसे हम यहां पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जिसे हम लोग नैब फिड के नाम से जानते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर आपसे पूछा जाए कि रीसेंट डेवलपमेंट जो हमारे बैंकिंग सेक्टर में हुए हैं वो कौन कौन से हैं, बताइए भाई कौन कौन से रीसेंट डेवलपमेंट आपको लगता है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है बता दीजिए, अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, करेक्ट मैं बताऊंगा ही आपको कि सही क्या है इसका आंसर, है ना, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारे रीसेंट डेवलपमेंट की बात करो तो इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे कि IBC है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा बैड बैंक हमने बनाया है जिसे हम NARCL, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमने क्या किए हैं, ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर में किए गए हैं, ताकि बैंकिंग सेक्टर को और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा स्ट्रांग, और ज्यादा स्ट्रेंथन बनाया जा सके, राइट, और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। करेक्ट, राइट, करेक्ट। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हाँ इसको समझने के, समझ करके आंसर लगाएंगे, बिल्कुल आपको बहुत आसानी से इसका आंसर समझ आ जाएगा। अदर देन द प्राइमरी फंक्शंस बैंक्स अदर देन डू नॉट इंक्लूड, मतलब अगर अपन बात करें प्राइमरी फंक्शन के बाद में बैंक्स जो करते हैं, अदर फंक्शंस डू नॉट इंक्लूड, उसमें हम किन फंक्शंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, सेफ डिपॉजिट लॉकर, सेफ कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रमोटर सर्विसेज, गिफ्ट चेक, मर्चेंट बैंकिंग, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है आपको A6 ओनली, जो ये काम नहीं होगा, 3 and 6, 7, 6 and 7, बताइए, मतलब जितने भी प्राइमरी फंक्शन है उनके अलावा इनमें से कौन सा काम है जो बैंक नहीं करेगा। ठीक, देखो बैंक ये भी करता है, बैंक ये भी करता है, बैंक ये भी करेगा, बैंक फंड्स को ट्रांसफर करता ही करता है, चेक्स को, बिल्स को कलेक्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज में भी इन्वॉल्व होता है, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स भी प्रोवाइड करता है, सेफ कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी रखता है, गिफ्ट चेक्स, मर्चेंट बैंकिंग, यहाँ पर कौन सा काम बैंक करता नहीं है, वो बैंक नहीं करेगा, प्रमोटर सर्विस। तो बैंक किसी भी तरीके से जो सेक्शन 6 ऑफ BR एक्ट 1949 में जो बैंक्स की सर्विसेज या बैंक की जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन है, उन सर्विसेज उन फंक्शंस में ये वाली चीज को डिफाइन नहीं किया गया जो 6 है, बाकी सारी चीजें डिफाइंड है कि बैंक क्या कर सकता है, तो सेक्शन 6 में डिफाइंड है, उसके अलावा भी कुछ फंक्शन बैंक परफॉर्म करेगा, ये चीज जो होगी प्रमोटर सर्विस कैन नॉट प्रोवाइडेड और इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ अ बैंक, तो ओनली 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भाई देखो थोड़ा सा बड़ा है, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट नहीं, इसमें फिल इन द ब्लैंक, एक नहीं आपको 2 से 3 ब्लैंक्स होंगे उनको फिल करना होगा, राइट।
करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन कहता है, मतलब ये फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अंडर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसके आधार पर ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। मिनिमम पैडअप इक्विटी कैपिटल चाहिए अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप करना है, तो वो फिक्स किया गया ₹10 करोड़। दिस वॉज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज, फिर इसे इंक्रीज कर दिया गया था ₹10 करोड़। एक्सपेक्ट दोज ऑफ उन बैंक्स को छोड़ करके जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, और वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। मतलब सीधी सी बात है, इनिशियली मिनिमम पैडअप कैपिटल कितना चाहिए यदि किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है, तो शुरुआत में कुछ एक अमाउंट रखा गया था, कुछ करोड़ रुपए, बाद में उसको इंक्रीज करके ₹10 करोड़ कर दिया गया। लेकिन ये जो अमाउंट बढ़ाया गया है सिर्फ उन बैंक्स के लिए जो डायरेक्टली स्मॉल फाइनेंस बैंक बने, उन बैंक्स के लिए नहीं होगा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और आगे चल के कन्वर्ट हुए हैं, अपने आप को उन्होंने कन्वर्ट किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बताइए भाई यहां पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 200 300, पहले 200 था फिर 300 करोड़ कर दिया, 100 था 200 कर दिया, 200 था 100 करोड़ कर दिया, या फिर 300 था और उसे फिर इसे में 200 करोड़ कर दिया गया, बताइए। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो शुरुआत में ये फिक्स किया गया था ₹100 करोड़, और बाद में इसे 200 करोड़ कर दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 की जब हम बात करते हैं, इसके संबंध में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, या जो इनमें 1, 2, 3, 4 दिए हैं, ये जो चैप्टर्स दिए हैं, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, मतलब कोई करेक्ट है कुछ इनकरेक्ट है। तो चैप्टर 1 जो हमारा आरबीआई का है वो कहता है प्रीलिमिनरी, इसमें प्रीलिमिनरी चीजें हैं। चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई, कैपिटल मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में बताता है। चैप्टर 3 कहता है जनरल प्रोविजन, जो भी पर्टिकुलर जनरल प्रोविजन है आरबीआई के उनके बारे में डिफाइन करता है। और चैप्टर 4 जो ये कहता है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द आरबीआई के बारे में। अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो इनकरेक्ट है वो कौन कौन सा है, राइट? हाँ जी, देखते हैं क्या बताते हैं आप सभी लोग। बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को, एंड सभी का स्वागत है ऑलिव बोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नॉट करेक्ट की बात करो, पहले अपन करेक्ट करेक्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो पहला वाला सही है, चैप्टर 1 में प्रीलिम्स प्रीलिमिनरी है, चैप्टर 2 में इनकॉर्पोरेशन बिजनेस मैनेजमेंट है, चैप्टर 3 में जो है ना, ये चैप्टर 3 जो है इसमें है सेंट्रल बैंकिंग का फंक्शन, तो ये इनकरेक्ट हुआ। और चैप्टर 4 में जो है वो है जनरल प्रोविजंस, मतलब ये इस तरीके से क्रॉस होना चाहिए, ये इसके जो फंक्शन है ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो 3rd और 4th जो है ये इनकरेक्ट है, और ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन लाया गया है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन रिलेशन टू सेक्शन 7 और 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 7 और 8 है ना, उसके संबंध में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो कि मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड से रिलेटेड है। तो ये कहता है कि द गवर्नर एंड द डेप्यूटी गवर्नर आर डैश टाइम्स ऑफिशियल ऑफ द बैंक। पहला, द गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म फिक्स्ड बाय द सेंट्रल डैश एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नॉट एक्सीडिंग डैश ईयर्स एंड आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। The government officials are nominated under dash shall hold office at the pleasure of government. The directors nominated from the government, the local board shall continue during their membership of the local boards. The other directors shall hold office for dash years and thereafter until their successor are nominated. अब इसमें पहला कह रहा है कि the governor and deputy governors are the whole time, part time, whole time. तो जहां तक मुझे पता है और आपको भी पता है, ये पार्ट टाइम ना होकर के क्या होंगे, होल टाइम। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो यहां से गया, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी अपने आप क्या हो गया, चला गया, क्योंकि पार्ट टाइम नहीं होंगे, ये हो जाएंगे कौन से, होल टाइम। तो यहां पर होल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सी में नहीं है, चलो सी गया।
अब देखते हैं अपन यहां पर द गवर्नर एंड द डेप्यूटी गवर्नर फॉर द होल्ड ऑफिस, जो भी फिक्स टाइम के लिए, बाय द हु, सेंट्रल, सेंट्रल कौन, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, तो सेंट्रल बैंक नहीं होगा यहां पर, आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और इनका जो टेन्योर होता है किसका, यहां पर गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर का, नॉट एक्सीडिंग, मतलब इससे ज्यादा समय के लिए नहीं हो सकता, कितने समय से ज्यादा के लिए नहीं होगा, तो यहां पर आप देख रहे होंगे 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स, तो 5 ही आएगा क्योंकि ये तीनों में 5 है, चलो तो यहां पर आ गया 5 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग हो गया। चलिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होंगे नॉमिनेट किए जाएंगे अंडर डैश, अब यहां पर सेक्शन पूछा जा रहा है, सेक्शन अगर हमें याद नहीं तो चलो इसको छोड़ते हैं, अपन इसके आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि तीनों में सेक्शन मुझे लगता है सेम है। तो अंडर द 8 सेक्शन, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन डी के अंडर ये आ जाएगा। अब अपना जो ऑप्शन होगा फाइनली वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ऑप्शन कि द अदर डायरेक्टर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर डैश ईयर्स, जो अदर ऑफिसर्स होते हैं ना वो अपॉइंट किए जाते हैं 4 ईयर्स के लिए, नॉट द 5 ईयर्स, और 4 ईयर है सिर्फ इस वाले में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे हमने लगभग, अगर इस फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात करूं तो जितने ब्लैंक्स थे ना उतने हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इस तरीके के क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोबिटेड फंक्शन ऑफ अ बैंक, इनमें से कौन सा प्रोबिटेड फंक्शन है बैंक्स का। ठीक, नंबर 1, अ बैंकिंग कंपनी शैल बाय और सेल और बार्टर गुड्स फॉर अदर्स, कोई भी बैंकिंग कंपनी जो होती है ना वो खरीदती है, बेचती है या बार्टर कर सकती है गुड्स फॉर अदर्स। प्रोबिटेड का मतलब है कौन से फंक्शन है जो बैंक नहीं कर सकता है। एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन कैरी एन एजेंसी बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स एंड नेगोशिएटिंग द इशूइंग द सेम, इंश्योरेंस गारंटी अंडर राइट, पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग एंड कैरिंग आउट द इशू ऑफ स्टेट। इशू ऑफ स्टेट म्यूनिसिपल और अदर लोन्स और शेयर स्टॉक डिवेंचर एंड डिवेंचर्स स्टॉक्स कंपनीज एंड लैंड मनी फॉर द पर्पज ऑफ एनी सच इशू। देखिए हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6 की, और जो सेक्शन 6 से हमारा किसका, आरबी एक्ट 19, सॉरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बीआर एक्ट, वो ये बताता है कि बैंक क्या काम करते हैं, और सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ये बताता है कि बैंक क्या नहीं कर सकते। तो कोई भी बैंक क्या नहीं कर पाएगा, तो बैंक की अगर बात करें तो बैंक प्रोबिट्स अ बैंक कंपनी, इट मींस द एक्ट प्रोबिट्स द बैंकिंग कंपनी कि वो खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता और बार्टर नहीं कर सकता किसी भी गुड्स को किसी दूसरे से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट प्रोबिट्स, राइट, और इसके बारे में कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो इनको हम छोड़ देंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजेक्ट एक्सक्लूड, वो बिजनेस जो आरबीआई नहीं कर सकता है वो क्या होगा, एंगेज इन ट्रेड और अदरवाइज हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन एनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल और अदर अंडरटेकिंग, आरबीआई कैन नॉट एंगेज किसी भी तरीके के ट्रेड में या किसी भी डायरेक्ट इंटरेस्ट या कमर्शियल इंडस्ट्रियल बाकी किसी अंडरटेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, आरबीआई मेक्स लोन और एडवांसेज, आरबीआई लोन्स और एडवांस नहीं दे सकता है, ड्रॉ मतलब विड्रॉल, एक्सेप्ट बिल्स पेबल अदरवाइज देन और ऑन डिमांड। सो ये कह रहा है बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजेक्ट, आरबीआई कौन से बिजनेस नहीं कर सकता उसमें हम एक्सक्लूड करते हैं, छोड़ते हैं किन बिजनेस को, 1, 2, 2, 3, 3, 4 या नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, यहाँ पर टफ क्यों बोलता हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन भले ही एक हो बट हम तैयारी कर रहे हैं इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन की, मैं छोटे क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, इसी तरीके से आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। क्वेश्चन काफी बड़े होते हैं, बड़े इन द सेंस जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में बात करूं, अगर मैं सिंगल सिंगल क्वेश्चन बनाता तो एक एक बनता, बट यहाँ पर आपके कितने 5 क्वेश्चन बन जाते हैं इसी से। सेशन को भाई लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, ठीक है, और होली का ऑफर आ गया है, होली ऑफर आ गया है, और होली ऑफर में आपको मिल रहा है
45% का डिस्काउंट जिन लोगों का सिर्फ एक सिंगल पेपर रुका हुआ है आरबीआई सॉरी आईई एंड आईएफएस का, वो लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक सिंगल कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज होगा, तो वो मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊंगा डिटेल्स में। तो आप लास्ट तक रुकिएगा, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शंस अंडर आरबीआई। सेक्शन जो आरबीआई एक्ट के अंडर आते हैं उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला कहता है कि लीगल टेंडर कैरेक्टर्स ऑफ करेंसी नोट इज डिफाइंड अंडर, जो करेंसी नोट्स हैं उसे हम लीगल टेंडर कंसीडर करते हैं, ये किस सेक्शन में डिफाइंड है पहला। ठीक, सेक्शन 28 किसके बारे में है दूसरा। असेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट इज डिफाइंड अंडर थर्ड। सेक्शन 34 इज ऑल अबाउट डैश ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज आर डिफाइंड अंडर, मतलब यहाँ पे सेक्शन रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करेक्ट। चलिए तो देखते हैं अपन एक एक करके। पहली चीज तो मैं जैसे मुझे याद है ये आता है सेक्शन 26 में ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये करेंसी रिलेटेड है। ठीक है, तो सेक्शन 26 यहाँ है, तो सेक्शन 26 जिस जिसमें वो क्वेश्चन वो ऑप्शन अपना सही हो सकता है। तो 40 गया और ये 33 गया, अब बचा अपना ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से एक सही हो सकता है, राइट। अब देखो अब अगला कहता है सेक्शन 28। चलो तो 28 में क्या क्या आ रहा है, रिकवरी ऑफ लॉस्ट स्टोलन म्यूटिलेट और इम्परफेक्ट नोट्स, राइट। और ये कह रहा है यहां पर लाइबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो इसको देखते हैं आगे अपन। अभी असेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट इज डिफाइंड अंडर, अब इशू डिपार्टमेंट का जो असेट्स मतलब अगर मैं बोलूं यहां पर ये कौन से सेक्शन में आ रहा, तो यहां सेक्शन आपको दिख रहा है 33 और डी में भी यहां सेक्शन 33, तो ये हो गया आपका सेक्शन 33। चलो आगे देखते हैं अपन और कौन सा मैच हो सकता है। अगला कह रहा है 34 है लाइबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट, इशू डिपार्टमेंट की लाइबिलिटीज सेक्शन 34 में यहां बता रहा है, जबकि यहां कह रहा है रिकवरी ऑफ लॉस्ट स्टोलन म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पर, अगर हमारा लास्ट से निकल आया तो लास्ट कह रहा है सेक्शन 40 दोनों में ही है, मतलब सेक्शन 40 ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 40 में डिफाइंड है। अब पूरा के पूरा जो कॉन्सेप्ट है या तो इसको निकाल लो या इसको निकाल लो, दोनों में से एक सेक्शन को आप निकाल लो, राइट। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि सेक्शन 28 जो है ना ये करेंसी रिलेटेड है, मतलब रिकवरी ऑफ लॉस्ट स्टॉलन म्यूटिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, और लाइबिलिटीज ऑफ इशू डिपार्टमेंट को सेक्शन 34 में डिफाइन किया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएफआईज, डीएफआईज का मतलब होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो क्वेश्चन ये कह रहा है इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं या कौन सा पॉइंट है जो रिलेट करेगा कि डीएफआईज के ऑब्जेक्टिव से, कि डीएफआईज जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ये कहता है टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, अलग अलग क्षेत्र में एजेंट की तरह काम करना डेवलपमेंट के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह वगैरह, राइट। सेकेंड कहता है टू एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना, उसकी वृद्धि उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, तेज करना, फास्टर कर देना। टू अलोकेट रिसोर्सेज टू द हाई प्रायोरिटी एरिया, और जो हमारे रिसोर्सेज है बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हाई प्रायोरिटी एरियाज में एलोकेट करना, ये काम होता है डीएफआईज का। टू फॉस्टर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्टिकुलरली इन द प्राइवेट सेक्टर सो एज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज अ हायर प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको तेजी से बढ़ाना स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर, प्रोवाइड करना लोगों को रोजगार अपॉर्चुनिटीज और हायर प्रोडक्शन। टू फॉस्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल स्किल, लोगों के अंदर उद्यमिता जो गुण होते हैं उसको बढ़ावा देना। प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रूरल एरियाज को डेवलप करना। फाइनेंस हाउसिंग
हाउसिंग को फाइनेंस करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना और सोशल यूटिलिटीज को बढ़ाना, प्लानिंग प्लान करना, प्रमोट करना, डेवलप करना इंडस्ट्रीज को, ताकि गैप्स जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनको भरा जा सके। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट, ये कहता है फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट नाइन, मतलब यहाँ पर थर्ड नहीं है, ठीक है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब यहाँ पे वन एंड नाइन नहीं है, राइट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मतलब ऑल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब यहाँ पर एट एंड नाइन नहीं है। तो आप देखिए इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जो भी आपको लगेगा कि इसका करेक्ट आंसर है हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल राइट। जल्दी से बताइए इसके करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, क्या ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, या बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है? तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट करेक्ट है बिल्कुल, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी करेक्ट है, फिफ्थ भी करेक्ट है, सिक्स्थ भी करेक्ट है, सेवन भी करेक्ट है, एट भी करेक्ट है और नाइन भी करेक्ट है। इसका मतलब जहां पर आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये सभी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। कितने? ये सारे के सारे डीएफआईज के। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ही होता है द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर एस्टेब्लिश टू प्रमोट द डेवलपमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को ग्रोथ करना, फॉस्टर करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाना। एंटरप्रेन्योरियल स्किल कैसे बढ़ेगी भाई, लोन लेंगे लोग और अपने आप को डेवलप कर लेंगे, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट एंड नाइन ऑल आर दी करेक्ट ऑप्शन, राइट। थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, टफ इस टर्म में था कि अगर मान लीजिए हम इसमें ऐसी कोई चीज ऐड कर देते जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो थोड़ा सा समझने में हमारे लिए क्या हो जाता, मुश्किल, थोड़ा सा टफ हो जाता, राइट। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट असिस्टेंस गिवन बाई दी आई डी बी आई? आई डी बी आई इज अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ये हमारा कौन सा बैंक है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज द बैंक एस्टेब्लिश टू प्रमोट दी इंडस्ट्रीज, राइट। सो इट इज अ बेस्ट टाइप ऑफ द बैंक, इट इज ऑल्सो अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, करेक्ट। तो इसकी इनडायरेक्ट असिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये किस तरीके से इनडायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बाय गिवन किस तरीके से, सीड कैपिटल असिस्टेंस। सीड कैपिटल का मतलब क्या होता है, सीड मतलब बीज, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दे देता है। सॉफ्ट लोन स्कीम्स है, रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट टू सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स मतलब वो इंडस्ट्रीज जो कि लॉस गेटिंग इंडस्ट्रीज के पहले प्रॉफिट अर्न करना बंद कर देती हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम सिक यूनिट्स बोलते हैं, या फिर प्रोजेक्ट फाइनेंस असिस्टेंस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि आईडीबीआई का जो लोन है इनडायरेक्ट असिस्टेंस में, हम किस टाइप के असिस्टेंस को इनडायरेक्ट असिस्टेंस की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, बताइए भाई। हाँ जी, सीड कैपिटल, सॉफ्ट लोन, रिहैबिलिटेशन, या फिर असिस्टेंस टू सिक यूनिट्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस असिस्टेंस, राइट। बताइए भाई जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको, ए बी सी डी। सेशन को भाई सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, राइट। राइट, आप आंसर करिए, मैं आंसर देखूंगा, ए बी सी डी जो भी लग रहा है आपको, आप वो आंसर कीजिए, राइट। गलत होगा डजन मीन अपन सही कर लेंगे, इसको करेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, हम करेक्ट कर लेंगे, राइट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीड कैपिटल असिस्टेंस। ये आपका इनडायरेक्ट असिस्टेंस होगा इन टर्म्स ऑफ द असिस्टेंस, लोन की तरीके से लोन जैसा उपलब्ध कराना, राइट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दिए हैं भले ही दो, बट ये स्टेटमेंट में क्या अमाउंट और जब फैक्ट्स आ जाते हैं, जहां पर फैक्ट्स का मतलब है कि कुछ ईयर्स वगैरह अमाउंट आ जाता है, तो थोड़ा सा टफ हमारे लिए ये बन जाता है। चलो देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, इन दिए हुए स्टेटमेंट को आपको केयरफुली मतलब ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन किसके सेंस में, इन रिलेशन टू द टॉपिक ऑफ IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सेंस में, उसके रेस्पेक्ट में, राइट। स्टेटमेंट नंबर वन कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जुलाई 1, 1948 में, फॉलोइंग इनएक्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट, और किस एक्ट के अंडर, इस एक्ट के अंडर, एक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया, मतलब IFCI इंडिया का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जिसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डेवलप किया गया, सेटअप किया गया थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, राइट। स्टेटमेंट नंबर टू इज सेइंग इसका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल था इनिशियली इट वॉज ओनली 10 करोड़, इसका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल था शुरुआती दौर में वो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ था शुरुआती दौर में, एंड इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्रीज फाइनेंस कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 आया, मतलब इसके एक्ट में अमेंडमेंट चेंजेस किए गए, तो जो ऑथराइज कैपिटल था ये बढ़ करके इसका कितना हो गया 250 करोड़ हो गया। एक्टिविटीज ऑफ IFCI कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, और जो IFCI की एक्टिविटीज है ना, इनको हम दो रूप में, बड़े रूप से दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब ये फाइनेंस करता है लोगों को लोन वोन देने का, और दूसरा होता है प्रमोशनल एक्टिविटी, ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये इसके दो अलग अलग एक्टिविटीज में इसको कैटेगराइज किया गया, ऐसा कहता है स्टेटमेंट नंबर टू। अब ऑप्शन कहता है कि स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट है टू करेक्ट है, ऑप्शन सी कहता है कि दोनों करेक्ट है, और ऑप्शन डी कहता है कि दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेट्स सी, बताओ भाई क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। हाँ जी, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ द IFCI, वेरी गुड। करेक्ट, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरा पूरा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में तीन जो फैक्ट्स हैं हम जरा उनको चेक कर लेते हैं। पहला कि इसका ऑथराइज कैपिटल शुरुआती रूप में 10 करोड़ था, बिल्कुल 10 CR हुआ करता था। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 में आया, बिल्कुल आया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। और उसी टाइम पर IFCI का जो ऑथराइज कैपिटल था इसको बढ़ा करके कितना 250 CR कर दिया गया, ये भी सही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, सेकेंड स्टेटमेंट यहां तक पूरा करेक्ट है। अब अपन इसकी एक्टिविटीज की बात करें, और इसकी एक्टिविटीज को भी दो कैटेगरीज में ही डिवाइड किया गया है IFCI के, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और प्रमोशनल। तो ये स्टेटमेंट नंबर टू भी क्या हुआ, करेक्ट हो गया। तो जहां भी आपको मिले दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, वही इसका करेक्ट आंसर।